बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ तौफीक अहमद। आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो इन विच आई विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज पास्ड बाय द असेंबली इन 1949। स्टूडेंट्स, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अब्रार अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Students, in this video I will discuss the factors and the political atmosphere which compelled the Muslims or Liaquat Ali Khan to pass the objective resolution. Along with it, we will discuss the main feature of the objective resolution and its importance in the history of Pakistan. So students, let's start our video. First of all, we talk about the brief introduction of objective resolution. Students, as you know, Pakistan came into being on 14 August 1947. In Pakistan jo hai wo 14 August 1947 ko marz-e wujood mein aaya aur uske piche ek nazariya kar farma tha, wo tha nazariya Islam. Yani ideology of Pakistan aur वो किस पे बेस करता है? टू नेशन थ्री पे। इट मींस कि जो पाकिस्तान बनाने की जो वजह थी, जो इसके पीछे एक जज्बा कार फरमा था, जो एक मोटिवेटिव फोर्स थी जिसने मुसलमानों को कह लें के मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि वो एक सेपरेट होमलैंड की तरफ गए, वो था इस्लाम का टीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम को फॉलो करने के लिए। कायदे अजम ने भी बजा तौर पर अपनी तकरीर में बजाया था कि हमें जो पाकिस्तान हासिल करना था वो किसके लिए, हमें एक ऐसी तजर्बागाह चाहिए जहाँ पे हम इस्लाम के असूलों को इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो ये बेसिकली पीछे एक मोटिव फोर्स थी पाकिस्तान हासिल करने में। अब जब पाकिस्तान बनता है, जब पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को मार्च वजूद में आ जाता है, तो उस वक्त हर कंट्री के मौजूदा सेटअप के अंदर जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का एक जो डेमोक्रेटिक है वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जो मौजूदा पाकिस्तान की बर्थ है ये बेसिकली मॉडर्न टर्म्स पे था, मॉडर्न टर्म्स पे है, ये खिलाफत नहीं है। जो पुराना सिस्टम था, जो अर्ली इस्लाम का पीरियड है, तो ये उस तर्ज पे नहीं है। तो डेफिनेटली जब मॉडर्न वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो पाकिस्तान जब बना तो इसके पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इसने जो ब्रिटिश का दिया हुआ 1935 का एक्ट है उसको क्या लेके पास किया, उसको एज ए अबूरी आयन, यानी इंटरिम गवर्नमेंट, सॉरी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर प्रोमुलगेट किया, नाफिज किया। ठीक है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो एक बेसिकली इंतजामी ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, जो सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, किस सेट ऑफ रूल्स के तहत जो है उस कंट्री का, उस मुल्क का जो इंतजामी मामला था वो डील किए जाए। तो पाकिस्तान के पास चूँकि ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर इन्होंने 1935 का जो एक्ट है उसको अबूरी आइन के तौर पर उससे काम लिया, उसे काम चलाया। जब ये सारी बातें थी तो इसके पीछे, पाकिस्तान हासिल करने के पीछे एक क्या लेके फोर्स कार फरमा थी, एक जज्बा था, वो जज्बा इस्लाम था, वो इस्लाम की इशात व तबलीग था। तो इस पर्पज़ के लिए क्या लेके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की गई, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें बनाने में जो क्या लेके उसको इस्लामिक टच देने के लिए एक एफर्ट की गई, जिसने एक लंबी डिबेट क्या लेके उसका आगाज़ किया, थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट की गई कोई मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से। ठीक है, तो इन चीज़ों को डील करने के लिए फिर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई। ठीक है, दो कमेटियाँ बनाई गई जिसकी एक रिपोर्ट तो बाद में आती है। अब उसमें सारी चीज़ें, उसके पीछे जो इश्यूज थे वो बेसिकली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक प्रोविजन की थी।
जो पाकिस्तान जिस बेस पे बनाया गया था, यानी इसके पीछे जो टू नेशन थ्री कार फरमा है, जो नज़रिया इस्लाम था, अब उन चीज़ों को क्या लेके आगे फर्दर इन्हांस करना था, इसको प्रोमुलगेट करना था इस सोसाइटी के ऊपर, इस्लाम की जो अमली शक्ल है इस्लाम की वो लेकर आनी थी सोसाइटी के अंदर। कायद अजम भी बजा फरमा गए कि हमें जो पाकिस्तान का मकसद है वो हमें एक ऐसी तजर्बा गाह चाहिए थी जिसके में हम इस्लामी असूलों को क्या लेके इंडिपेंडेंटली आज़ादाना इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके, यानी यानी जो टीचिंग इस्लामिक टीचिंग है उसको प्रैक्टिस कर सके। तो इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, नवाब इफ्तखारुद्दीन हैं वो भी हैं, उसके बाद मिनोरिटीज़ को अलग इश्यूज थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक गैप था उसको फिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने कुछ कमेटियाँ बनाई, एक सिफारशात तरतीब दी गई, अब उसमें कुछ इश्यूज आए, अब उस इश्यूज को सेटल डाउन करने के लिए लियाकत अली खान ने फिर 7 मार्च को असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी हमारी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें एक क्या लें कि रेजोल्यूशन मूव किया, यानी उसमें पेश किया जिस पे क्या लें कि 5 डेज जो है डिस्कशन होती रही, और अल्टीमेटली वो 12 मार्च 1949 को वो बिल, वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इस जो 5 डेज वर्किंग है इस दौरान मिनोरिटीज़ के हवाले से जो भी चीज़ें डिस्कस की गई, जो इस बिल की, इस रेजोल्यूशन की अपोजिशन की गई, मुखालफत की गई, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं किन लोगों ने मुखालफत की और किस ग्राउंड्स, रियलिटी पे, किस बेस पे उन्होंने इन चीज़ की मुखालफत की। स्टूडेंट्स, लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें एक बिल पेश किया जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से आप जानते हैं, तो उस पर 5 डेज जो है डिबेट होती रही, यानी ये जो बिल है ये 12 मार्च को पास हुआ, असेंबली ने पास किया, लेकिन इन 5 दिनों की जो डिबेट थी उसमें जो मिनॉरिटी लीडर थी, स्पेशली मिनॉरिटी लीडर, तो उनको ऑब्जेक्शन थे, उन्होंने एतराज़ात लगाए, उन्होंने क्या पॉइंट रेज किए वो आप डिस्कस करते हैं। अ नॉन मुस्लिम प्रेम हरी प्रपोज्ड दैट द मोशन शुड बी फर्स्ट सर्कुलेटेड फॉर इवोकिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी इसमें जो प्रेम हरी है जो कि नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी लीडर हैं, वो कहते हैं कि जो बिल पेश किया लियाकत अली खान ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिश करना चाहिए, शाया करना चाहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन ली जा सके। अब उसके बाद इसको 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल 1949 को असेंबली के अंदर डिस्कस करना चाहिए, यानी जो मिनॉरिटी लीडर हैं वो डिले करना चाह रहे हैं इस इस्लामाइजेशन प्रोसेस को, इस एक इस्लामिक क्या लें कि जो रेजोल्यूशन पेश किया गया पाकिस्तान को इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन में लाने के लिए, और इनको सपोर्ट करने वाले वो सतीश चंद्रा छोटू पधाया हैं जो कि इनको सेकंड कर रहे हैं, यानी इनकी तायिद कर रहे हैं, इनको क्या लिख के सपोर्ट कर रहे हैं इनके आर्गुमेंट को, और साथ में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज कर रहे हैं। तो उनके कहना था, उनका स्टांस ये था, सिंस द कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैड फाइनलाइज्ड देयर रिपोर्ट, तो कह रहे हैं कि जब कमेटी ने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिटर्मन कर दिए हैं, उसके बावजूद अब इसके हमें इस चीज़ की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें काफ़ी कुछ जो था वो इस्लामिक, क्लियरली इस्लामिक नहीं था, उसमें प्रॉब्लम थी जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या लें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई लियाकत अली खान ने असेंबली में 7 मार्च को लेकर आए, ठीक है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया जी कि क्या कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये क्या है, जस्ट अमलगमेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है, यानी ये सियासत और जो रिलीजन है इसका मिक्सचर है। तो आपने अक्सर सुना होगा ये अलामा इकबाल का बड़ा मशहूर कोट है कि जो दाहो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो बेसिकली अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम है ही, या गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल जो सियासत होती है ये क्या है, लोगों की फलाह व बहबूद है। तो डेफिनेटली आप जब भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब भी आप सिस्टम की बात करते हैं,
इस्लाम क्या, इस्लाम तो आपको एक जीने का तरीका बताता है, जीने का सलीका बताता है कि आपने किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करना है, किस तरह लोगों के मसाइल हल करने हैं, किस तरह लोगों के काम आना है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये हुकूमत के हुकूमती मामलात हैं, तो इससे डील करता है। यानी इट मीन्स जो इस्लाम है वो पॉलिटिक्स से डिफरेंट नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का जो अरबिक डिक्शनरी देखें वहाँ पे सियासत का, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं एक किसी दौर में पढ़ा था कि उसका मतलब होता है मुल्क की इंतजामो इंसराम, यानी कि जो मुल्क की मामलात हैं, पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है मुल्क की मामलात हैं। तो डेफिनेटली इस्लाम और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये मिनोरिटी लीडर्स थे जिन्होंने कह के ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये जस्ट अमेलगमेशन है रिलीजन। बात तो ठीक है, अब उनको अपना एक प्रॉब्लम था, वो हम क्या लेके बाद में भी डिस्कस करेंगे। उनका जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे क्या लेके वो राइट है, लेकिन जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो पाकिस्तान के बनाने में पीछे एक नज़रिया, क्या नज़रिया पाकिस्तान क्या, वो टू नेशन थ्योरी है, नज़रिया इस्लाम है। जब हम जो एक प्योरली जो स्टेट हासिल की गई वो एक इस्लाम को प्रमोलगेशन के लिए, इस्लाम को नाफज करने के लिए, इस्लाम की जो तालीमात है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हासिल किया गया था। क़ायदे आज़म का जो फरमान है वो हम अक्सर हम जानते हैं कि पाकिस्तान का खिता, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक ऐसा खिता चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, यानी इस्लाम की जो तालीमात है उनको प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये अपोजिशन जो लीडर थे बेसिकली ये चाहते थे कि इसमें डिले की जाए, डिले हो। जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आपको पता है पहले 9 ईयर्स का जो टाइम है वो लगा था, पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या, लेकिन यहाँ पे डेड लॉक है, एक प्रॉब्लम है जिसको मेंटेन करने की सोल्यूशन निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। Another minority leaders, Chandra Mandal, opposed the resolution by saying that why ulamas are insisting on this principle of Islam, whereas India has pundits but they didn't demand things like that. Chandra Mandal कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी उलमा हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो क्यों इस तरह की इस्लामिक प्रोविजन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, जबकि इंडिया में भी पंडित हैं जो कि इक्वल हैं उलमा के, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ठीक है, जो इंडिविजुअल डू हैव रिलीजन बट स्टेट हैड नॉट, यानी कि हर बंदा हर फर्द एक रिलीजन, उसका अपना एक रिलीजन को फॉलो करता है, वो रिलीजन रखता है, लेकिन जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। यानी ये सेकुलर सेकुलरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं। सो वी थिंक इट अ ग्रेट डेविएशन टू इन आवर बिलव्ड पाकिस्तान। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की जो बेसिस है उसका इनहराफ है। ठीक है, उसके बाद कुमार दत्ता अपोज्ड इट बाय सेइंग दैट इफ दिस रेजोल्यूशन केम इन लाइफ ऑफ जिना इट वुड नॉट हैव कम इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जिना ने भी, आपको याद होगा, मिनोरिटी को फ्री इंडिपेंडेंस दी थी, कि उन्होंने एक स्पीच है जिसको शायद ये बेस बना रहे हैं, बेस बनाया उन्होंने कि जो मिनोरिटी हैं वो फ्री हैं, वो जहाँ मंदिर में जाना चाहते हैं मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाना चाहते हैं मस्जिद में जाएं। जो मिनोरिटी राइट्स की बात की थी, ठीक है, जिन्ना ने भी मिनोरिटी राइट्स की बात की हुई है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को बेस बनाते हुए वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पेसिफाई कर रही है जो इस्लामिक की तरफ जा रहे हैं, इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनके नज़दीक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज किया। वो कहते हैं लेट अस डू नॉट एनी थिंग विच लीड अवर जनरेशन टू ब्लाइंड डेस्टिनी। अब ये उनका अपना ख्याल है, ब्लाइंड डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं हम मुसलमान जा रहे थे या नहीं। इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो मियाँ मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन है, जो कि एक कह लें कि सोशलिज्म को फॉलोअर थे बेसिकली। ठीक है, और ये ओनली मुस्लिम मेंबर हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कह लें कि अपोज किया था। अब उन्होंने क्यों अपोज किया, वो क्या कहते हैं, टू हिम द रेजोल्यूशन वाज वेग, जो रेजोल्यूशन है ये गैर वाज है, मुबहम है,
एंड मैनी वर्ड्स यूज इन इट डू नॉट मीन एनी थिंग, जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उनका कोई मतलब ही नहीं है, फजूल है, यूजलेस है, ठीक है। वो फर्दर ही फर्दर सजेस्टेड दैट सच अ रेजोल्यूशन शुड नॉट ओनली बी द प्रोडक्ट ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स। वो कहते हैं ये सिर्फ जो इस तरह के जो रेजोल्यूशन है ये सिर्फ मुसलमानों की ही या मुस्लिम लीग की ही जो प्रोडक्ट है उनकी आउटकम नहीं होना चाहिए, इसको जो बाकी भी हैं जो 70 मिलियन पीपल बनते हैं उनकी भी जो वॉइस है वो भी शामिल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अभी आपको मैं यहाँ पर रिकॉल करवा दूँ कि अभी जब पाकिस्तान बना था चूँकि मुस्लिम लीग डोमिनेंट थी, मुस्लिम लीग को ये था कि हमने पाकिस्तान बनाया था, वैसे भी मुस्लिम लीग का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है बहुत हाई था, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको थोड़ी बहुत जेलसी भी थी, कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, पॉलिटिकल पावर्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से वो इन चीज़ों को अपोज कर रहे थे, ठीक है। फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाई डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, सरदार अब्दुल रब निश्तर, नूर अहमद बेगम शाइस्ता, मोहम्मद हुसैन एंड अदर। स्टूडेंट ये वो लोग हैं जिन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कह लें कि पास किया। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ये बहुत कह लें कि पढ़े लिखे हैं, इनकी हिस्ट्री पर बड़ा काम है, हिस्टोरियन है, कराची यूनिवर्सिटी में ये HOD भी रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी थे, तो हिस्ट्री की इनकी क्या की काफ़ी ऑथेंटिक काम है इनका, ईस्ट बंगाल से थे बेसिकली ये, इनकी काफ़ी किताबें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हैं, ये भी नामवर स्कॉलर हैं जिन्होंने क्या के सपोर्ट किया था। सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, ये KPK से थे, ये वही लोग हैं, ये सरदार अब्दुल रब निश्तर जो कि अभी जब हम सर सैयद अहमद खान का टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट की उनके एजुकेशन सर्विसेज में जो कह लें कि एक मूवमेंट बनी थी, ये अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो खैर ये टॉपिक से हम हट रहे हैं, ज़रा बात हम कर रहे थे कि किन लोगों ने सपोर्ट किया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। इन ऑर्डर टू काउंटर द एलिगेशन they argued that Islam governs not only our relations with God but also the activities, वही बात आ गई जो स्टेट और क्या लेके रिलीजन का जो एक रिलेशन है उस पर ही बात करते हुए इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया था। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, तो इन चीज़ों को वो कह लेके हाईलाइट करने की इनकी कोशिश थी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। जैकत अली खान अश्योर्ड द मिनोरिटीज दैट दे विल गेट ऑल द फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान वंस द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विल बी इन्फोर्स्ड। हाउएवर दिस रेजोल्यूशन क्रिएटेड अ डिवीजन ऑन द कम्युनल लाइन। जैकत अली खान ने अश्योर किया, तसल्ली दी, उनको यकीन दहानी कराई कि जो मिनोरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उनको दिए जाएंगे, लेकिन साथ में कंडीशन ये थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए जाए। तो लेकिन अनलकीली पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटी राइट्स की जो बात हम करते हैं तो काफ़ी आलदो की जो चीज़ें हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ और चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे अभी भी वो इनसिक्योर हैं, खुद को इनसिक्योर फील करते हैं जो मिनॉरिटीज़ हैं। इसमें जी मियाँ तुखारुद्दीन वाहद हैं जिन्होंने इसको अपोज किया मुस्लिम में से, और यहाँ पे क्या लेके जो एक डिवीज़न चलती है कम्यूनल की, इसके बाद जो मिनॉरिटी है वो अभी भी कह लें कि कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है, ख़ुद को सिक्योर फील नहीं करती मेजॉरिटी के हवाले से, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी का जो है वही रूल करती है, उनकी ही मर्जी चलती है, और जहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेलियंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो लेक्चर की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे सर जस्ट ब्रीफ करूँगा। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह यानी कि जो हाकिमियत अल्लाह है, जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह को हासिल होगा, यानी कि वो अल्लाह ताला की हाकिमियत है। तो इसमें ये पहला फीचर था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का था, ठीक है।
अब सॉवरेनिटी क्या है? ये सुप्रीम पावर है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती और, ठीक है, ये सॉवरेनिटी को अगर हम सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक डेमोक्रेसी, ये इस्लामिक डेमोक्रेसी को क्या लेके इन्फोर्स किया जाएगा? स्टेट विल बी एक्सरसाइज द पावर, इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी विल बी एक्सरसाइज इन द, ये उसमें डिमांड की गई थी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। उसके बाद जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस शैल फुली बी फॉलोड। तो ये वो चीज़ें सेलियंट फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो हल्के की पॉइंट्स थे जिसको इन्फोर्स किया जाना था। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग था, यानी कि उसको जो ह्यूमन लाइफ है उसको एक इस्लामिक टीचिंग में ढालने की कोशिश की जानी थी। द मुस्लिम शैल बी इनेबल टू लिव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने का, चाहे वो इनफरादी हो चाहे वो मजमू सोसाइटी, मजमू तौर पर एक सोसाइटी के हो, तो उसको ढाला जाएगा किसमें? कुरान और सुन्ना की जो टीचिंग और तालीमात के। जो नेक्स्ट पॉइंट था वो प्रोटेक्शन टू मिनॉरिटी, मिनॉरिटीज़ को जो वो क्या लिखे सेफ गार्ड मुहैया किया गया, उनके जो राइट्स हैं उनको क्या लिखे प्रोटेक्शन दी गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या लिखे बताया गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसमें एक सेंट्रल लेवल पे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी भी फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि इमरान खान अब पूरे पाकिस्तान पे रूल कर रहा है, साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होती है जो कि सूबों के अंदर जो चीफ मिनिस्टर जिसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, रन चला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन इन विच प्रोविंसेस विल एंजॉय ऑटोनॉमी विद द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स, फाइन। राइट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप एंड एसोसिएशन शैल बी ग्रंटेड टू ऑल द, ये स्टूडेंट बेसिक क्या लिखे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी प्रोटेक्शन, इसकी ज़मानत दी गई है, ठीक है। उसके बाद फ्री जुडिशरी है, फिर जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट एंड विल वर्क विदाउट एनी पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, ये क्या लिखे इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की एक मेन की पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात की गई कि नेशनल उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये बात लिखी गई है, ये तय की गई है जो कि आपकी पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसके अंदर एक प्रियम्बल के तौर पर ये चीज़ ऐड की गई है, यानी पाकिस्तान की कौमी जबान जो होगी वो उर्दू होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये भी क्या तय किया गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान है इसको भी क्या लेके प्रोटेक्शन मद्देनजर रखा गया। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, लैंड एंड एयर बाउंड्रीज विल बी प्रोटेक्टेड, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक सूटेबल स्टेप फॉर दिस पर्पज, यानी कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वाटर, लैंड और एयर की जो बाउंड्रीज हैं, ये अक्सर आपको लैंड के अंदर भी ये LOC पे जो फायरिंग हो रही होती है, उसके बाद एयर स्ट्राइक भी चलते हैं, जो अभिनंदन आया था उसने भी एयर बाउंड्रीज की क्या के वायलेशन की थी, उसके बाद वाटर भी वाटर के हवाले से आई थिंक जो पढ़ा था कि वो अब कि वो 10 से 12 किलोमीटर की जो बाउंड्री होती है, जो आपका साहिल होता है वो किसी भी कंट्री का जो अटैच हो रहा था वो उसके हिस्से में आता है। तो आई एम नॉट श्योर दिस, लेकिन नॉर्मली यही है 10 से 12 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है, फर्दर आप खुद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ लॉ। इट वॉज मैंशनड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान इज होली कुरान, यानी होली कुरान और सुन्ना जो है वो सोर्स ऑफ लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉ लॉ बनाया जाएगा वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर तवज्जो दी जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन किया गया था। इट वाज मेंशन इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949 दैट रिमोट, या रिमोट मीन दूर दराज और बैकवर्ड एरियाज शुड डेवलप्ड इक्वली टू द अदर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री,
आज भी जो जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं अक्सर इश्यूज आपके सामने आते हैं, तो ये तब की बात है, 1949 की बात है, कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखे, इट वाज डिसाइडेड टू हाईलाइट टू डेवलप द रिमोट एरियाज, ठीक है, यानी रिमोट एरियाज के लिए जो एफर्ट्स हैं वो की जाएंगी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तय किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक पॉइंट ये भी था कि जो आंसरेबल गवर्नमेंट यानी जवाबदेह गवर्नमेंट जो है वो कायम की जाएगी, यानी कि वो अगर कोई पॉलिटिशियन कोई सिटीजन कोई ऑब्जेक्शन लगाता है गवर्नमेंट पे, कुछ पूछ सकता है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि उसने क्या किया है, उसकी डेवलपमेंट की उसकी कारकर्दगी क्या है, तो क्या, और पार्लियामेंट के अंदर जो कि नुमाइंदे पब्लिक के लोगों के नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते हैं, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक डेमोक्रेटिक जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इन 1949 इट वाज डिक्लेयर दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वुड बी एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कंसेप्ट। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1949 दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द टू द पीपल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, यानी इसमें जो गवर्नमेंट है वो इक्वली क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन अचीव्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया थ्रू दिस रेजोल्यूशन, यानी जो कि एक मकसद था पाकिस्तान हासिल करने का वो इस रेजोल्यूशन के थ्रू, यानी कि पाकिस्तान किस लिए हासिल किया, इस्लाम की टीचिंग, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लाम को टीचिंग प्रीचिंग के लिए, ठीक है, एक तजर्बागाह के तौर पर जहाँ पे इस्लामी असूलों को परखा जा सके, तो ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ज़रिए जो क्या लिखे जनूबी एशिया के यानी जो यहाँ के मुसलमानों ने ये वतन हासिल किया था, इस रेजोल्यूशन को पास करके वो मकसद उनका कामयाब हुआ। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा का ये 15 जून 1215 में होता है, बेसिकली जो यूके का बादशाह होता है उसका वो टैक्स बहुत लगा रहा होता है, ठीक है, तो उसके जो मिनिस्टर होते हैं जो क्या लेके खास करीबी लोग होते हैं जिनसे वो सलाह मशवरा करता है वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब उनकी आपस में क्या लेके टसल होती है जिसके बाद उनकी जो एक रिकन्सिलेशन होती है वो एक एग्रीमेंट होता है और वो जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी कुछ प्रोविजन थी जिसने क्या किया कि बादशाह ने कुछ पावर थी अपने उस खास लोगों को जो उनके करीबी लोग थे उनको डेलीगेट की यानी कि उनको ट्रांसफ़र की, तो बेसिकली यहाँ से जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वही हैसियत दी गई है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैग्ना कार्टा को दी गई है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली ये समझ लें कि अब जो यूके का यूके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या लेके उसको कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो अभी जिस सिस्टम को आज हम फॉलो कर रहे हैं इसकी जो इब्तदा होती है इसका जो आगाज़ होता है वो 1215 में होता है जब मैग्ना कार्टा का साइन होता है, मैग्ना कार्टा में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, तो इस हवाले से इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये अहमियत है। अब इस मैग्ना कार्टा के बाद जो किंग था उसने ग्रेजुअली जो है ना वो एक एवोल्यूशन हुआ, फिर उन्होंने अपनी पावर्स डेलीगेट की, आज भी यूके के अंदर जो क्वीन है वो क्या लेके नॉमिनल सा हेड है लेकिन जितनी भी पावर्स हैं वो बादशाह भी है, उधर वो बादशाह भी है, क्वीन जो है सॉरी क्वीन ऑलरेडी एक उसका है क्वीन है, उसके पास जितनी भी पावर्स हैं वो समझ लें कि बादशाह भी चल रही है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है। इट वाज इंक्लूडेड एज प्रियम्बल, और ये इसकी दूसरी जो सेकंड पॉइंट है इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये 56, 62 और 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं इनमें क्या होता है ये बेसिक एज अ प्रियम्बल के तौर पर
जो है ना इसको शामिल किया जाता है। और इसकी जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लेके आए, आइदर 1956 और 1962, इनमें सब में क्या होता है कि इनकी जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसको शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो क्या लेके इसकी इंपॉर्टेंस बनती है, द अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स टू अडॉप्ट द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डेमोक्रेसी को क्या लेके प्रमोट किया, ना कि थियोक्रेसी को। थियोक्रेसी क्या है? मुलायत यानी मौलवियों की हुकूमत को क्या ले, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, यानी मौलवियों की हुकूमत नहीं है, जो जस्ट उलमा है। और पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है, बहुत से उलमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है इसको भी, इसके क्याम को भी क्या लेके अपोज किया हुआ है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने। तो यार ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है। अभी हम बात करें थियोक्रेसी की, कि थियोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। इसने प्रमोट किया किसको? डेमोक्रेसी को। दे बिल्ट अप एन इस्लामिक स्टेट अबव ऑल द ज्योग्राफिकल, रेशियल एंड नेशनल लिमिटेशन। अच्छा जी, 1985 प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक मेड इट परमानेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। एट अमेंडमेंट होती है 1985 में, जिसमें जो जियाउल हक हैं उसने इसको क्या लेके, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पार्ट बना दिया है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिजेक्टेड द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन द कंट्री विच वर प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड क्लैरिफाइड दैट पाकिस्तान विल बी एन इस्लामिक स्टेट। फाइन जी, इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट मिनोरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी मिनोरिटीज को भी क्या लेके प्रोटेक्ट किया गया था। और उसके बाद अभी इतना टाइम नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है। आप जो है ना कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इसको खुद से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि सेकुलरिज्म क्या चीज़ है। मैं आज ज़रा मूव ऑन कर रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी लेंथी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई कंक्लूड माई वीडियो और माई लेक्चर ऑन दिस वेरी टॉपिक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। यानी कि जो इस्लामाइजेशन है, यानी कि पाकिस्तान को एक इस्लामी रंग में डालने की एक फर्स्ट, ये फर्स्ट एक माइल स्टोन है, एक फर्स्ट स्टेप है। नो डाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ मिनोरिटीज, बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब्ड इन इट। यानी जो मिनोरिटी राइट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या होगी, आइदर वो इस्लामिक होगा और सेकुलर होगा। तो ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिफाइन कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया प्रीवियस लेक्चर से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई इशू हो, तो आप क्वेश्चन लीव कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप पे, और ऑनलाइन आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग। कोरोना से बचें, अपना ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।